सभी दोस्तों का स्वागत मेरे YouTube चैनल ER अखिलेश क्लासेस फॉर यू में। इस पेपर का PDF लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से इस पेपर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश मेरी रहती है आपको जल्द से जल्द जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रोवाइड करा दूँ। समय नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम से पेपर्स मेरे पास पड़े थे, इनको अपलोड नहीं कर पा रहा था। जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आपको लिंक डाउनलोड करने नहीं आती है, तो उसी लिंक के नीचे एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि PDF लिंक को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आप वहाँ से उसको देख करके आसानी से पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आसानी होगी, जब PDF आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप पूरा का पूरा पेपर एक साथ देख सकते हैं, और उसका पेपर जो है आपके पास एक साथ रह सकता है। पूरे पेजेस आपके पास रहेंगे आपके हाथों में, और आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ बेनिफिट मिल पाए आपके क्लास के साथ। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आप चलाते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड करते हैं, तो उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। सारे के सारे पेपर्स इस पे मैंने डाल दिए हैं आपके गुजरात बोर्ड के, तो आप उनको देख सकते हैं और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश मेरा मेरी हमेशा रहेगी कि आपको जल्द से जल्द जितने पेपर्स हैं उनको प्रोवाइड करा दूँ। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए या फिर किसी बोर्ड का पेपर चाहिए। वैसे तो मेरे चैनल पे सभी बोर्ड्स के पेपर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। सभी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आपको और भी पेपर चाहिए, तो आप मुझे पेपर का नाम, क्लास और स्टेट और ईयर कमेंट में डाल सकते हैं। अगर वो पेपर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपके पास में उसको अपलोड करके सेंड कर दूंगा, और उसकी PDF लिंक भी आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप उस पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकें। ये आपका पूरा का पूरा अच्छा पेपर आया हुआ है, तो आप इस पेपर को देख करके और आसानी से क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बताना है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ रॉन्गली कनेक्टेड इन सर्किट गिवन। यहाँ पर कहीं सर्किट में कौन सी चीज़ है जो आपकी जो है ये कनेक्ट है। इसमें आपका वी जो है वोल्ट मीटर, वो गलत कनेक्ट है। वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए। तो बल्ब के एक साइड से लेके बल्ब के दूसरी साइड के बीच में वी कनेक्ट होगा, आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं साइंस के वीडियो, मेरे को बहुत दोस्तों ने बोला, बहुत लोगों ने भी बोला कि आप बना दो, आप बहुत अच्छा साइंस समझाते हो, तो समय नहीं मिल पा रहा है। समय मिलते ही मैं जो साइंस के वीडियोस हैं, जो फिजिक्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, समझ में नहीं आता, और मैं एक एक ट्रिक में बच्चों को समझा देता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन होगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो उनके हाल ही में मैं वीडियो बना दूंगा, तो उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको बताऊं मैं, आप ज़िंदगी में मेरे शुक्रगुजार होंगे अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया। और बस स्किप मत कीजिए, आसानी से देखिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है आपके रिफ्रैक्शन चैप्टर का, लाइट का, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डाल रखा है, थर्ड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं कैसा आपको समझा पा रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आप आने वाले जो और वीडियोस हैं उनको बना दीजिए, तो मैं फटाफट उन वीडियोस को बना करके आपके लिए अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। पर कमेंट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के कमेंट के ऊपर ही एक टीचर को ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ बच्चों ने कुछ सीखा है, और वो चाहते हैं कि और कुछ अच्छा सीखें। तो आप अगर कमेंट कर देंगे तो मैं फटाफट और भी वीडियोस बना पाऊंगा आपके लिए। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द जितना स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करा दूं, और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आने वाले समय में अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी चीज़ को रिगार्डिंग, अगर आपको परेशानी होती है, तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। और आप पूरा का पूरा पेपर आपने देख लिया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। पेपर को हमेशा एचडी में देखें ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। पेपर बिल्कुल साफ साफ प्रिंट में है, बहुत ही साफ प्रिंट में पेपर मैं डालता हूँ। बस आपको केवल एचडी में उसको देखना होता है, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और जो और पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं फटाफट उन पेपर्स को डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पेपर आपका काफ़ी बड़ा बनता है गुजरात बोर्ड का, सेम आपके गुजरात बोर्ड के पेपर बनते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस का सेक्शन अलग होता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सेक्शंस अलग होते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।